नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है, इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट पुनीश शर्मा के बारे में, और हम जो है आज इस वीडियो में उन्हें एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआती टाइम की बात करें तो पुनीश शर्मा का जन्म हुआ था 1990 में न्यू दिल्ली में। पुनीश शर्मा अपनी बेसिक एडुकेशन मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से कम्प्लीट किया था, और उसके बाद सीफल हैलम यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से उन्होंने MSc कंप्लीट किया था इंटरनेशनल बिजनेसेस में। 6 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में पुनीश शर्मा अपनी फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गए थे, मगर पुनीश शर्मा को पहले से ही बिजनेस में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मगर उन्हें तो इंटरेस्ट था पार्टी वगैरह में और टीवी रियलिटी शोज वगैरह में। इसलिए ही पुनीश शर्मा 2009 में सरकार के दुनिया नाम की एक रियलिटी शो में ज्वाइन किया था, जिस रियलिटी शो में बेसिकली आपको सरवाइव करना पड़ता है किसी एक जंगलों में अपने को कंटेस्टेंट के साथ में, जो रियलिटी शो रियल टीवी नाम की एक टेलीविजन में टेलीकास्ट किया जाता था। और कुछ ही समय के बाद ही पुनीश शर्मा उस रियलिटी शो के विजेता बने और उन्हें 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया। और उस रियलिटी शो को जीतने के बाद में पुनीश शर्मा अपनी पार्टी करने के शौक को बढ़ाने के लिए गुड़गांव में प्लेबॉय क्लब कैफे नाम की बार और नाइट क्लब को ओपन किया, और वो जो है उनका एक प्राइमरी बिजनेस में से एक बन जाता है। और उनके कुछ ही समय बाद ही पुनीश शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की, और उसके बाद उन्होंने बिग बॉस 11 में पार्टिसिपेट किया। अब जो आता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, बिग बॉस में आने के बाद में पुनीश शर्मा को बिग बॉस की और एक को कंटेस्टेंट बंदगी के साथ देखा गया, और उन्होंने वहां पे बताया है कि वो जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका है, मगर डिवोर्स का केस अभी तक जो है चल रहा है। मगर कुछ स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि पुनीश शर्मा का एक लड़का भी है, मगर इस स्टेटमेंट को पुनीश शर्मा डायरेक्टली मना कर चुके हैं। हमारे सूत्रों से ये तो पता चला है कि पुनीश शर्मा मैरिड है और उनका डिवोर्स केस भी चल रहा है, मगर उनका कोई लड़का है या नहीं है वो भी हमें भी अभी तक जो है पता नहीं चला है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये भी कहते हैं कि उनका जो एक लड़का है, और बहुत सारा स्टेटमेंट ये भी कहता है कि उसका जो है कोई भी लड़का नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी भी ट्रेंडिंग है, और ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक जो है किसी को भी पता नहीं चला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।